जिहाद ही तो था, वो अपने उमर को जवान होते नहीं देख पाएगा। पाली उसने शहादत, इसी का तो इंतजार था उसको। लेकिन दुख ये है कि जिसके बाजुओं में उसका दम निकला वो सलाहुद्दीन, उसका अपना सगा भाई है। शहंशाह जंग के मैदान में शहीद हुआ है, वो मेरी आंखों में आंसू है, दिल मगरूर है बहुत। हमारा सलाउद्दीन, उस पर नाफरमानी का मुकदमा चलेगा, सुल्तान ही फैसला करेंगे, लेकिन वो भी शायद कुछ ना कर सके और बेबस हो जाए। उसे घेर लिया है उन्होंने चारों तरफ से, अगर दीवान ने उसे मौत की सजा दे दी तो क्या रुतबा मिल पाएगा उसे शहीद का? तुम कभी ना कह पाओगे कि उसने एक नेक मकसद के लिए जान निसार की है। तो क्या मैंने अपना बेटा इसलिए उनके सुपुर्द किया कि मारते? सलाउद्दीन को तो जारी रखना था मकसद को, उसकी जिंदगी तो वक्त थी उस रास्ते के लिए। तदफीन की तैयारी हो गई बाबा। ठहर जाओ। क्यों बाबा? इसलिए कि मुझे एक जरूरी मसला निपटाना है। मैं सुल्तान से कह चुका कि उन्हें इस तरह से कुर्बान नहीं करने दूंगा एक सजा पर अपना बेटा। वक्त आ गया है कि राज अफशा कर दिया जाए। हम बता देंगे, सलाहुद्दीन हम दोनों के जिगर का टुकड़ा है। अगर उन्हें जान लेनी है तो जान ले कि इस अय्यूब का पूरा खानदान जान देने को तैयार है। क्या एक शिकस्त के लिए तुम्हें रियासत की नाफरमानी मुनासिब लगी मलिक सलाहुद्दीन? मुझे अब तक कोई शिकस्त नहीं हुई मेरे सुल्तान। जब तक मुझे इस मजलिस से दीवान में रोका जाएगा तब तक अस्कलान उन्हीं के पास रहेगा। मुजाहिदीन को जमा करने की इजाजत पर अमल फरमाइए। पहले आपको उसकी सजा मिलेगी जो आपने किया मलिक सलाहुद्दीन। आप फिर कभी मजलिस ऐवान के फैसलों से लापरवाही ना बरतेंगे। रियासत की बुनियाद वही है जो मैंने किया, और जिसकी मैंने परवाह ना की वो था दुश्मन का खतरा। हमारे लिए दुश्मन का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। अगर अस्कलान से दूर रहते आप, हज के रास्तों का मसला यूं संगीनी इख्तियार ना करता और शाह बाल्डविन की फौज हज के रास्तों की मोर्चाबंदी ना करती। मलिक नसरुद्दीन ठीक कहते हैं मेरे सुल्तान। खलीफा मक्तफी ये फरीजा तफवीज करने वाले बजाते खुद है मेरे सुल्तान। आपकी तो इज्जत दांव पर लग गई।
बाल्डविन जानबूझकर धमकियों से हमें उकसा रहा है। ये जो कुछ है लाहासिल है। हाजी और अस्कलान को बचाने पर बहस क्यों नहीं हो रही यहाँ? तैयारी करने के बजाय हम यहाँ महज बातें कर रहे हैं। अगर हमने कोई हरकत की तो शाह बाल्डविन, त्राबलस का नवाब, अंताकिया की फौज सब मिलकर हम पर टूट पड़ेंगे। उन सब से लड़ने की ताकत रखती है क्या हमारी फौज? मेरे सुल्तान, अदलो इंसाफ को मद्देनजर रख के ऐसा फैसला सादिर फरमाइए जो रियासत की इज्जत बहाल करे, बाल्डविन और हमारे बीच अम की सूरत हाल ठीक कर दे। तुम्हारा तो भतीजा शहीद हुआ है ना शिरकू, तुम बताओ मेरा भतीजा एक गलती पर कुर्बान हो गया। दुरुस्त, मैदान जिहाद में तो शहादत होती है, लेकिन ये मेरा खानदानी नहीं रियासत का मामला है। इसीलिए जो सजा तजवीज की जाए वो रियासती उसूलों पर हो। और इस रियासत के उसूल कभी टूट नहीं सकते, इसलिए अपने ही शहजादे को सजा सुना देना मुश्किल होगा। इस वक्त हम इज्तिमाई तौर पर सलीबी फितने से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं और आप सिर्फ एक फर्द की बात कर रहे हैं। इंसाफ एक सा है सबके लिए, चाहे कोई गडरिया या इस सल्तनत का शहजादा ही क्यों ना हो। जबकि मामला इंतहाई संजीदा यानी मजलिस दीवान की नाफरमानी का है, इसलिए कतई कोई इम्तियाज न बरता जाए। अनगिनत लोग इस मुमलिकत के साए तले आबाद हैं। हमारी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा अगर आपके इंसाफ का पलड़ा बकाए नस्ल और जानशीन की तरफ झुक गया। लिहाजा वही हो जो होना चाहिए, इसलिए अमीर सलाहुद्दीन का फैसला अजरूए इंसाफ किया जाए। हमें सुल्तान से मिलना है। इमाद, सुल्तान इस वक्त मजलिस में है। मैं हाकिम दमिश्क की हैसियत से मजलिस में शामिल हो सकता हूँ। मजलिस दीवान का आगाज हो चुका है, दखल देना मुनासिब ना लगेगा जनाब अली। उसूलों से वाकिफ हूँ अच्छी तरह। अगर मामला खास नौयत का ना होता तो यहाँ कभी ना आता। जो मुझे कहना है मजलिस दीवान में ही कहना है।